और दोस्तों आपको बताऊं कि प्ले स्टोर में स्पर्श नाम से कई ऐप हैं, आप किसी गलत ऐप को डाउनलोड मत कर लेना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिन डिफेंस पेंशनर्स के पास पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और स्पर्श पोर्टल की वेबसाइट के जरिए भी एक्सेस करने में उन्हें दिक्कत आती है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल मोबाइल ऐप आ चुका है और इस ऐप को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की 275वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल ऐप के बारे में बताऊंगा, इस मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में बताऊंगा, और दोस्तों आपको बताऊं कि प्ले स्टोर में स्पर्श नाम से कई ऐप हैं, आप किसी गलत ऐप को डाउनलोड मत कर लेना, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो आपने अपना मोबाइल में प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर जब आप ऐप खोलते हो तो उसके ऊपर जो सर्च बार है आपने वहां पर टाइप करना है स्पर्श CGDA, ध्यान रखना यही टाइप करना है। जब आप इसे सर्च करोगे तो आप इसमें देख रहे होंगे स्पर्श नाम से कई ऐप हैं, ई स्पर्श यहां पर भी देख रहे होंगे स्पर्श, लेकिन इनको नहीं करना है आपने डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वाला स्पर्श CGDA न्यू दिल्ली लिखा हुआ, जिसमें अब यहां पे देखिए आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। आपने जैसे डाउनलोड किया तो मोबाइल में आपका इस प्रकार से आ जाएगा, इसे आप खोलोगे तो आप इस प्रकार के फीचर इसमें पाओगे। वेलकम टू स्पर्श, आप नीचे डैशबोर्ड में देख रहे होंगे इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इतने ऑफिसेज हैं, 17 लाख से ज्यादा आप यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने पेंशनर इस पर अभी हैं। एवरेज सैंक्शन 15 डेज दिखा रहा है और कम से कम एक दिन का, और इसके नीचे भी कुछ फीचर दिखा रहे हैं। अपडेट मोबाइल, तो अपडेट मोबाइल अगर आप करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके यहाँ पे स्पर्श का पीपीओ नंबर या यहाँ पर ईपीपीओ नंबर, चेक पीपीओ नंबर करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो है ट्रैक सर्विस रिकॉर्ड रिक्वेस्ट में जो है आप अपना देख सकते हैं, जो भी आपने सर्विस रिक्वेस्ट दी होगी अपना मोबाइल नंबर से या टोकन नंबर से, इसे प्रोसीड करेंगे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे सर्विस सेंटर, कई पूछते हैं कि कहाँ पे है सर्विस सेंटर, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको सर्विस सेंटर यहाँ पर दिखाई देंगे। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो आपको कई चीज़ें पता नहीं है स्पर्श के बारे में तो आप जो भी क्वेरीज हैं आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। अब आप वापस जाएंगे, लेफ्ट साइड में तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी ऊपर, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे अगर आप फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए हैं, आपका पासवर्ड लॉक हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपको स्पर्श के सर्कुलर भी दिखाई देगा। ठीक है, स्पर्श की वेबसाइट को आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं और यहाँ पर से जो है PCDA की वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो वापस आएंगे तो राइट साइड में ऊपर आपने लॉग इन कर लेना, तो जिनके पासवर्ड आ चुके हैं लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार के दिखाई देंगे व्यू प्रोफाइल। अगर आप व्यू प्रोफाइल को क्लिक करते हो तो इसमें जो है आपकी पूरी प्रोफाइल दिखाई देगी, उसमें देखिए आपका पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, पे डिटेल, कम्यूटेशन डिटेल, नॉमिनी डिटेल, तो जिसको भी आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इनिशिएट ग्रेवांस, आपके पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं तो आप इस पर जो है कंप्लेंट कर सकते हो या रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर देख रहे होंगे आप उनको सेलेक्ट करना है, उसी हिसाब से सेलेक्ट ऑप्शन की आपका एलिमेंट ऑफ पेंशन, एलिमेंट नॉट सैंक्शन इन पेंशन, डिडक्शन की आपका डिडक्ट हो रहा है, तो इन चीज़ों को सेलेक्ट करने हैं आपके, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी समस्या है आपने इसको रजिस्टर करवा लेना। ट्रैक स्टेटस के बारे में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। अब माई डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये आपको देखिए ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, पेंशन स्लिप, पेंशनर PPO जान देखना चाहते हैं आप, अपना कॉरिजेंडम PPO देखना चाहते हैं, अपना पेंशन इंटाइटलमेंट, PDV का डिक्लेरेशन देखना चाहते हैं, फॉर्म 16 देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल ऐप के सारे फीचर्स मैंने इन शॉर्ट बता दिए हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, ज़रूरत बढ़ती रहती है, तो उसी प्रकार से जो है ऐप के अंदर के जो ऑप्शन हैं उनमें भी चेंजमेंट आपको आगे देखने को ज़रूरत के हिसाब से मिल सकता है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।